सो वेलकम गाइस अगेन टू अनदर डे ऑफ माय न्यू व्लॉग। तो एंड टुडे इज अ क्वाइट बिजी शेड्यूल डे। तो हियर पर आई वाज अ बिट क्लीनिंग माय डेस्क फॉर माय स्टडी टेबल। आई वाज प्रिपेयर एक्चुअली दिस क्लिप वाज टेकन अ लॉन्ग बैक अगो बट आई कुड नॉट यू नो अच्छी तरह से मैंने उसको एडिट नहीं किया। तो आज मैंने अच्छी तरह से एडिट करके यहाँ पर मैं क्लिप बना रही हूँ अभी। एंड आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो एज वेल, क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल के होने के बाद आई ट्राई टू डू क्लिप्स बट मुझे नहीं हो पाता मेरे को। तो आई एम वेरी इरेगुलर इन सोशल मीडिया इसके कारण। एंड आई होप यू एन्जॉय दिस वीडियो। तो हर वक्त मेरा व्लॉग नहीं आता बट स्टिल आई ट्राई टू डू माई बेस्ट टू अपडेट यू गाइज। एंड यहाँ पर आई वॉज स्टडिंग CPC एक्चुअली, और उसके बाद देखते हैं मैं थोड़ा आउट जाऊँगी आज, क्योंकि ये भी पुराना व्लॉग है, मैंने अच्छी तरह से एडिट नहीं किया है। तो हम आज बाहर जाने वाले हैं, बाहर की मतलब घर के आसपास ही। और रास्ते पे ये समोसा एंड स्वीट वगैरह मिल गया है, तो हमने ये ले लिया है। लेने के बाद आप सुन सकते हैं मेरा तबीयत अच्छी नहीं है आजकल ड्यू टू कफ कोल्ड। और थोड़ा मार्केटिंग की है यहाँ पर, लाइक बैम्बू शूट्स है और बहुत सारा की चीज़ है। तो यहाँ पर मैं अपना कज़िन के साथ ये थोड़ा खा रही थी, अच्छी नहीं लग रही बट स्टिल खा रही थी। और उसके बाद ये कल नेक्स्ट दिन है, नेक्स्ट दिन में मैंने पढ़ाई की है, ये एविडेंस एक्ट मैंने पढ़ा है, क्योंकि हाँ मैंने ये एविडेंस एक्ट जो थर्ड पर्सन रिलेवेंट के पार्ट में ये पढ़ रही थी अभी। तो गाइस ये इवनिंग का शॉट है, और यहाँ पर मैंने गरम दूध ले लिया क्योंकि मेरा वॉइस अभी तक अच्छी नहीं है एंड आई वॉज नॉट फीलिंग वेल। तो मैंने सोचा गरम दूध पी लेते हैं। और यहाँ पर मैंने IPC का बुक लिया है जो AK Jain का। तो मैंने यहाँ पर एक्चुअली अटेम्प्ट का पार्ट जो है ना वो मैं पढ़ रही थी, क्योंकि बहुत सारे अटेम्प्ट में बहुत सारे केस लो है, तो वो मैं रीड आउट कर रही थी, वो देख रही थी। क्योंकि हाँ उसके बाद मैंने पढ़ा है जो जनरल एक्सप्लेनेशन का चैप्टर है, उसके वो अटेम्प्ट और जनरल एक्सप्लेनेशन के चैप्टर पढ़ने के बाद मैंने सोचा मैं नेक्स्ट दिन या कई दिन पढ़ूंगी, क्योंकि मेरा तबीयत बहुत ही ख़राब हो रही थी इसको।